हाँ जी, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने इस चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। माय डियर स्टूडेंट, आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर अपन बात करने वाले हैं अपनी क्लास जो नाइन्थ है उसके चैप्टर नंबर 2.2 की। प्रश्न कुछ इस प्रकार आपके सामने लिखा हुआ है। प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x-4x3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको क्या करना, अपने को सॉल्व करना है। x बराबर 0 पर इसका मान निकालना है, x बराबर -1 पर इसका मान निकालना है, x बराबर जो है 2 के ऊपर इसका मान आपको निकालना है। ठीक है भाई, यह सवाल आपके सामने लिखा हो, बहुत ही इजी और आसान सवाल है, आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है। और प्लस क्लास क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर करना ना भूले और क्लास को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है भाई, चलिए पहला सवाल। पहला सवाल कहता है कि x बराबर 0 पर इसके आंसर निकालने हैं, जैसे 5x-4x2+3 ये दे रखा है। x बराबर 0 पर इसके इस सवाल के आंसर हमें निकालने हैं, तो हम लिखेंगे यहां पर, देखना x बराबर 0 पर, देखना ये लगा है बराबर 5 का, तो ये 5 बीच में कुछ नहीं इंटू और x, x का मान कितना 0, फिर माइनस ये माइनस 4 ये 4 बीच में कुछ नहीं इंटू मान लो x का मान 0 उसकी पावर 2 फिर प्लस 3। आ गया समझ में, आगे बढ़ते, फिर बराबर 5 × 0 0 -4 × 0 0 की घात कितनी भी हो 0, तो लिख दूं चलो एक बार 4 × 0 0 की घात 0 प्लस 3 ये हो जाएगा 0, 0 का कोई मतलब ही नहीं है जोड़ बाकी में, 4 × 0 0 तो बचेगा आंसर कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी x बराबर जो 0 है उस पर वैल्यू कितनी आ चुकी है इसकी 3 आ चुकी है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं इस सवाल के अंदर, तो जो सवाल दे रखा था वो अपन ने यहां पर लिख दिया। फिर x बराबर 0 था तो 5 × x की जगह 0 लिखा, -4 × x की जगह 0 और पावर 2 लिख दिया, प्लस 3 लिख दिया 0 और ये भी 0, तो आंसर कितना बचेगा 3 बचेगा। तो अपनी जो इस सवाल के अंदर वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है 3 यहां पर आ चुकी है। चलिए दूसरे सवाल की अपन बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2, x बराबर माइनस वन पर जहां जहां पर हमें मतलब क्या, जहां जहां पर x चल रहा है ना वहां वहां पर हमें क्या रखना है, 1 रखना है, वो भी माइनस का। तो देखना ध्यान से, ये लगाया मैंने यहां पर बराबर, ये 5 बीच में कुछ नहीं इंटू मान लिया, x का मान कितना है -1, इसको बंद कर दिया कोष्टक में, आ गया समझ में, इसको बंद कर दिया कोष्टक में, फिर माइनस, फिर 4, फिर बीच में कुछ नहीं इंटू और x का मान कितना है -1 है, कोष्टक कर दिया बंद और फिर प्लस का 3, दो चिन्ह साथ में आ रहे हैं इसलिए हमने यहां पर क्या कर दिया, कोष्टक बंद कर दिया। 5 × x का मान रखा -1, -4 × x का मान रखा -1 और पावर, सॉरी यहां पर 2 भी थी तो 2 लगा दिया और फिर प्लस का क्या लिख दिया 3 लिख दिया। चलिए इसको सोल्व करते देखना, 5 को 1 से गुना करवाएंगे, 5 माइनस कहां पर चला जाएगा आगे, फिर -4, इसकी घात 2 है तो इसको कितनी बार लिख देवे, पहले 2 बार और प्लस का 3, तो गलती का चांस नहीं रहेगा, है ना। -5 -×- तो फिर बचा कितना माइनस 4 × 4 और 4 × 4 और फिर प्लस का 3। जब कभी भी ऐसा जोड़ बाकी के अंदर प्लस वाली संख्या भी आ जावे और माइनस वाली संख्या भी आ जावे तो आपको क्या करना है, प्लस वाली संख्या को अलग जोड़ना है और माइनस वाली संख्या को अलग जोड़ना है। ठीक है, तो यहां पर देखना, माइनस माइनस की को अलग जोड़ता हूं, जो संख्या माइनस की है उनका साथ चिन्ह भी माइनस का आएगा और संख्या जुड़ जाएगी, तो ये रहा -5 और 4 कितने हो गए 9 और प्लस 3। जब दोनों ही संख्याएं जोड़ बाकी में माइनस की हो तो चिन्ह माइनस का और संख्या जुड़ेगी, तो 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया और प्लस का क्या आ गया 3 आ गया। फिर आगे 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की तो बाकी होती है, तो बाकी होगी तो 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा और बड़ी संख्या 9 है और 9 के पहले क्या है माइनस है, तो आंसर कितना आ चुका है माइनस का 6 यहां पर आ चुका है। ठीक है भाई, चलिए अब रखते हैं तीसरे सवाल में, x बराबर 2, यानी अब x की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, 2 रखनी है, जहां जहां पर x चल रहा है उस सवाल में वहां वहां पर हमें 2 रखना है, तो ये 5 है, ये लिखा 5, फिर बीच में कुछ नहीं इंटू, फिर x है 2, फिर माइनस है माइनस, फिर 4 है और फिर बीच में कुछ नहीं है इंटू और फिर x का मान 2 और उसकी घात कितनी है 2 और फिर प्लस का क्या है 3।
यहां तक आ गया समझ में? नहीं आया। चलिए एक बार, पांच ये पांच, फिर बीच में कुछ नहीं, इनटू मान लिया, जहां पर x है x का मान कितना है सवाल में, दो है, फिर माइनस चार, ये चार, फिर बीच में कुछ नहीं है, इनटू और x का मान दो, उसकी घात दो, और फिर प्लस का तीन। कोष्टक क्यों नहीं लगाया? क्योंकि संख्या अकेली है, प्लस माइनस के साथ में है नहीं, तो हमने इसको ऐसा ही अकेला ही चलने दिया। आगे बढ़ते, फिर पांच इंटू दो दस, फिर माइनस चार इंटू दो की घात दो, तो दो को कितनी बार लिख देंगे, दो बार, फिर प्लस तीन दस, फिर माइनस चार इंटू दो आठ, और आठ इंटू दो सोलह, और प्लस के तीन। इसमें भी वही प्रोसेस, माइनस माइनस वाली अलग जुड़ेगी और प्लस प्लस वाली अलग जुड़ेगी, तो माइनस की अकेली है तो ये दस कुछ नहीं आ गया, तो प्लस का माना जाएगा, तो माइनस के सोलह को तो लिख दूं मैं पीछे, माइनस वाली संख्या को पीछे उतार दिया, प्लस प्लस की को जोड़ दिया, कितने हो गए तेरह, सोलह में से तेरह जाएगा, कितना बचेगा तीन, बड़ी संख्या सोलह है और उसके पहले माइनस है, तो आंसर किसका आ जाएगा, माइनस का तीन यहां पर आ जाएगा। तो ये था आपने क्लास जो नाइन्थ है उसका चैप्टर नंबर 2.2 है उसका प्रश्न नंबर फर्स्ट, जो कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत या त्रुटि उत्पन्न होती है, तो एक बार रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को पूरा ध्यान से जरूर देखें वापस, और क्लास अगर अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करना ना भूले, आपके जितने भी कॉन्टेक्ट है उन सभी के साथ इस क्लास को शेयर करना ना भूले, और कमेंट भी जरूर करें। और अगर आप भरपूर सवालों का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर जाए और कम्युनिटी ऑप्शन के अंदर जाए, बहुत सारे सवाल आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है, तो उनका जवाब दे और आनंद उठाए। मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए सभी प्यारे मेरे प्यारे विद्यार्थियों को, मेरे प्यारे मित्रों को, जितने भी इस क्लास को देख रहे हैं उन सभी को सीताराम।